चलो तो आज इन दोनों कलर को कंपैरिजन करके देखते हैं इनमें से कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट है। ये है ऑयल पेस्टल कलर, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है प्लास्टिक क्रेयॉन्स, इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। 75 डेज ड्राइंग चैलेंज का आज था डेट 21। फिर एक ड्राइंग शीट को दो पार्ट में डिवाइड करके एक तरफ कैमल कलर्स और दूसरी तरफ प्लास्टिक कलर्स लिख लेता हूं। जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था आप ये वाला इमोजी बनाओ, तो आज मैं वही वाला इमोजी बनाने वाला हूं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताने कौन सा इमोजी। तो ये बनके तैयार हो गया, अब बारी थी इसमें कलर करने की। तो सबसे पहले मैं ऑयल पेस्टल कलर से इसमें कलर करूंगा। ये इमोजी तो ग्रीन कलर का था, जल्दी जल्दी से मैंने इसमें कलर किया और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड किया। बाकी के और कलर जो होने थे फिर उनको भी फिल करने के बाद ये तो कंप्लीट हो गया था। अब बारी थी प्लास्टिक क्रेयॉन से इसमें कलर करने की। अब प्लास्टिक क्रेयॉन तो ब्लेंड नहीं होते हैं और ना ही अच्छे से मर्ज होते हैं, लेकिन मुझे फिर भी इनसे करने में मजा आ रहा था। और ये भी बन के तैयार हो गया। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है मुझे कमेंट में बताओ।